हेलो गाइस, मेरा नाम है संजीव और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक फ्रीलांस वर्क कर सकते हो और वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो इस कोविड सिचुएशन के अंदर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, तो आपको अभी वर्क फ्रॉम होम क्यों ज़रूरी है और इन फ्यूचर भी आपके कैसे काम आने वाला है। तो आप ये समझो कि अभी जैसे सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे आप ऑफिस नहीं जा सकते हो, सबको एक वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है और ये सिचुएशन आपको पता नहीं है कि कब तक ये चलने वाला है। तो अगर आप अभी सोच रहे हो कि ऑफिस खुलेगा फिर मैं ज्वाइनिंग करूँगा और फिर मैं वर्क स्टार्ट करूँगा, तो वैसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भी आप बैठे रहोगे कि मैं नया जॉब लूँगा, मुझे कहीं पे प्लेसमेंट चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, तो अभी बहुत समय लगने वाला है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। और क्योंकि हर एक बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हैम्पर कर चुका है, बहुत सारे बिजनेसेस लॉस के अंदर है, तो न्यू हायरिंग अभी लोग वैसे भी नहीं करने वाले हैं। तो बेटर यही होगा कि आप अभी फ्रीलांसिंग वर्क अगर आप स्टार्ट कर देते हो या फिर वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इन चीज़ों को कर सकते हो। मेरा खुद का भी फर्म है, मेरे भी अंदर लोग हैं जो लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं फ्रीलांस में हेल्प भी कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स आते हैं वो हम लोग आउटसोर्स कर देते हैं कुछ फ्रीलांसर्स को। जब भी हमारे पास ओवर वर्क्स रहते हैं जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ कर रहे हो और तब भी हमें और ज़्यादा भी वर्क प्रोड्यूस करना हो तो हम लोग उसको आउटसोर्स कर देते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कंप्लीटली कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कि आपका जो वर्क है उसका एक स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। हम लोग जो क्लाइंट को वर्क देते हैं वो एक लेवल का होता है, वो एक आप बोलो कि एक जो होता है मार्केट का स्टैंडर्ड वो सेट रहता है कि अगर मैं 3D दूंगा तो कम से कम इतना रियलिस्टिक होना चाहिए, अगर मैं 2D वर्क दूंगा तो इतना उसके अंदर डिटेलिंग होना चाहिए। तो वर्क आपको बहुत अच्छे से समझना है कि वर्क आपका कैसा होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसा वर्क होना चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हो sahufoundations.com करके, उसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके का 3D हम लोग क्लाइंट को देते हैं। तो कम से कम उतना आपका 3D होना चाहिए। अगर आपको 2D वर्क नहीं पता कि किस तरीके का डिटेल्स हम लोग देते हैं तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट पे आप बोल सकते हो, मैं आपको वो कुछ 2D वर्क्स दिखला दूंगा कि किस तरीके के सेट ऑफ ड्राइंग्स आपको कम से कम आना चाहिए। अगर कोई सा भी आपके पास स्किल है जैसे ऑटोकैड आपको आता हो, आपको स्केचअप आता हो, 3DS Max आता हो, वीरे, कुछ भी चीज़ें आप अगर आपको आता है तो अभी आप उसको यूज़ करो और उससे आप मनी जनरेट करना स्टार्ट करो। क्योंकि अभी जैसा सिचुएशन है अगर आप अभी अर्निंग नहीं करोगे तो कंडीशन और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। अभी जैसा आपको पता है कि रातों रात लोगों का जॉब चला जा रहा है और जो लोग डिजिटली अभी मूव नहीं करेंगे, जो लोग डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं ग्रैब करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये सारा सिचुएशन। तो सबसे पहला तो आप एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्क को समझ लो कि मेरे को इस स्टैंडर्ड का काम देना ही देना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप जैसे मुझे पिच कर सकते हो, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मेरे जैसा और बहुत सारे लोग हैं, आप जिस भी सिटी के अंदर हो, आप हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर के अंदर हो, छोटे सिटी के अंदर हो, इट डजेंट मैटर। देखो हैदराबाद में अगर 100 फर्म्स है, 100 फर्म्स में मिनिमम 30 फर्म्स, 50 फर्म्स तो आउटसोर्स करते होंगे प्रोजेक्ट्स को, तो आपको कोई ना कोई तो काम देगा। और आप खुद हैदराबाद में बैठ के दो या पुणे में बैठ के दो, आप यूपी में बैठ के उनको प्रोजेक्ट दो, उनको तो ऑनलाइन ही मिलना है और ऑनलाइन वो लोग वर्क देंगे। तो अगर आप छोटे से भी सिटी से हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ आपके पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। आप उनको फाइल बनाकर भेज सको, आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लो जहाँ पे आपका वर्क हो, ठीक है। पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मत लगाओ कि मेरे को ऐसा रिज्यूमे बनाना है, क्या लिखूँ, क्या डालूँ, सिर्फ आपका जो वर्क है वो दिखना चाहिए, अगले को समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा उसमें समय लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक दिन के अंदर आपके पास जितना काम हो एक जगह पर उसको कंपाइल करो, एक PDF बना दो और भेज दो, ठीक है। आपको उस तरीके से वर्क मिलेगा, डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो कुछ डिज़ाइनर्स को, मुझे भी आप पिच कर सकते हो और जो भी एक्स्ट्रा वर्क रहेगा वो मैं आपको दे सकता हूँ। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप ऑनलाइन वर्क ढूंढ सकते हो। ऑनलाइन हो गया जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको फ्रीलांस वर्क के ऊपर कि जैसे अपवर्क एक वेबसाइट है, UPWORK, अपवर्क एक वेबसाइट है और फीवर करके एक वेबसाइट है। तो इसके अंदर आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हो, उसके अंदर आप बिडिंग कर सकते हो। बिडिंग में क्या होता है, आप मैं कोई रफ में आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे होता है कि लोग अपना वर्क वहाँ पे अपलोड करते हैं कि मुझे ये वर्क चाहिए, मुझे एक 3D चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे अपने कंपनी के लिए एक लोगो बनवाना है, तो मैंने लिख दिया कि
कि नीड अ लोगो डिज़ाइनर फॉर माई कंपनी, स्पेसिफिकेशन लिख दिया कितने दिन के अंदर चाहिए, वो सारी चीज़ें लिख दिया। अब जो भी लोग वहाँ पे डिज़ाइनर्स ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो उस एड को देखेंगे, वहाँ पे बिड करेंगे कि मैं आपका लोगो डिज़ाइन कर दूंगा 500 रुपये में। अगला बोलेगा मैं आपका लोगो डिज़ाइन कर दूंगा 1,500 रुपये में। अगला बोलेगा मैं 5,000 में डिज़ाइन करूंगा। तो अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मैं 500 वाले को दूँ, 5,000 वाले को दूँ, 1,500 वाले को दूँ? तो मैं पहले देखूंगा कि किसका कैसा वर्क है, क्योंकि सिर्फ सस्ता लोगों को नहीं चाहिए, है ना। अगर आपका वर्क अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई 5,000 में दे रहा है तो उसको पता है कि मैं क्या वर्क दे रहा हूँ, इसीलिए वो 5,000 बोलने का हिम्मत रखता है, ठीक है। कोई 1,500 दे रहा है तो उसका उस तरीके का वर्क है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 5,000 वाला लग रहा है कि नहीं, उसका काम तो बहुत अच्छा है बट रेट बहुत ही ज़्यादा है, मेरे बजट से बहुत ज़्यादा है, और 1,500 वाले का काम ठीक है और बजट भी ठीक है, तो मैं 1,500 वाले को सेलेक्ट कर लूँगा। तो लोग, अलग अलग लोग इस तरीके से बिड करते हैं कि मेरे को ये प्रोजेक्ट चाहिए, इस रेट के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ, और उसके बाद वो उस प्रोजेक्ट को दे देते हैं, आप काम कर देते हो, आपको पैसा आ जाता है। ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। अगर आप बहुत डेप्थ में भी जानना चाहते हो कि इस कैसे प्रोजेक्ट, कैसे आप बिडिंग करते हो, कैसे आपको काम मिलता है, कैसे अमाउंट मिलता है, कैसे आपके बैंक में ट्रांसफ़र होता है, आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा सेपरेटली। तो ये कंप्लीट चीज़ें हो गई जो आपको जानना ज़रूरी है फ्रीलांस वर्क करने के लिए। पहला मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड ऑफ वर्क आप सेलेक्ट करो, सेकंड जितने भी फिजिकली आप जिसको भी कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हो आप उनको कांटेक्ट करो, और थर्ड हो गया कि आप इन वेबसाइट्स के अंदर आप अपना वर्क डाल सकते हो और बिडिंग कर सकते हो। तो ये तीन चीज़ें हो गई जैसा फ्रीलांस वर्क आप कर सकते हो ईजिली, ठीक है। अगर वीडियो काम की लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा एक और चैनल है साहू फाउंडेशंस करके, आप वहाँ पे भी जा सकते हो, उसमें भी देख सकते हो। उसके अंदर मैं इंटीरियर और आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बतलाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे स्किल में कमी है, आप पहले स्किल को इम्प्रूव करो, उसके लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स निकाला है इंटीरियर का, जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें इंटीरियर से सिखलाते हैं, कैसे साइट एग्जीक्यूशन होता है, उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर्स हम लोग सिखाते हैं। अगर आपको वीरे नहीं आता है, आपको स्केचअप नहीं आता, फोटोशॉप नहीं आता, आपको ऑटो कैड नहीं आता है, आपको लूमियन नहीं आता है, सारे सॉफ्टवेयर्स हम लोग उस कोर्स के अंदर सिखाते हैं, आपको थ्योरी सिखलाते हैं एक एक चीज़ों का, कर्टेन का हो गया, पर्दे का हो गया, आपका पेंट्स का हो गया, वॉलपेपर्स का हो गया, फ्लोरिंग हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, हर चीज़ हम लोग उसमें थ्योरी सिखलाते हैं। 20-25 वीडियो से भी ज़्यादा वीडियोस हैं वहाँ पे और बहुत डेप्थ में है, थ्योरी सिखलाते हैं आपको। सॉफ्टवेयर्स का तो बहुत बड़ा बड़ा सीरीज़ है, ठीक है, आपका 15-20 दिन का, एक 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 घंटे का हर एक वीडियो है, और बहुत डेप्थ में एक एक सॉफ्टवेयर को हमने सिखाया है। सॉफ्टवेयर्स हो गया, थ्योरी हो गया, आपको साइट एक्सपीरियंस देते हैं, साइट पर कैसे काम किया जाता है वो हम लोग सिखलाते हैं, क्लाइंट कैसे हैंडल किया जाता है वो हम लोग सिखलाते हैं, क्लाइंट को आप कैसे हैंडल करो, कैसे बात करो। अगर आप खुद का भी बिजनेस कर रहे हो तब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्लाइंट को कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे एस्टिमेशन बना सकते हो, डिज़ाइन तो आप बना लिए, उसका कॉस्टिंग कैसे निकाले वो चीज़ें हम लोग बताते हैं, उसका आपको प्राइसिंग कैसे बनाया जाता है, आप उसका कैसे पिचिंग कर सकते हो, साइट एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर बताते हैं। तो इस तरीके का एक कंप्लीट कोर्स हमने बनाया है जिसके अंदर बहुत चीज़ें इन्वॉल्व है, और मेरा खुद का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इतने साल से जो मैं इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने इन डेप्थ बताया है आपको। बहुत सारे लोग हैं जो आप बहुत सुपरफिशियल लेवल पर बताते हैं कि ये भी चीज़ें इंटीरियर के अंदर होती है, बट आप ये समझो कि वो इंडिया के अंदर नहीं यूज़ होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर आप अगर टाइप सिर्फ पढ़ने जाओगे ना, तो टाइप ऑफ विंडोज़ भी देखोगे तो इतने मिल जाएंगे कि जो मतलब याद करना ही मुश्किल है, मुझे भी नहीं याद है, ठीक है, इतने ज़्यादा। बट एक्चुअल फील्ड के अंदर इतने टाइप्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। जो यूज़ किया जाता है आपको वो जानना ज़रूरी है, जो यूज़ किया जाता है उसका प्राइसिंग क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। एक एक हिंजेस होते हैं किचन के, आप हिंजेस देखोगे तो बहुत टाइप के हिंजेस होते हैं, बट अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो 5 से 10 टाइप के हिंजेस ही होते हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या यूज़ होता है प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस कोर्स के अंदर सिखला रहे हैं। अगर आपको कोर्स में भी इंटरेस्ट हो तो आप कोर्स भी हमारा बाय कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज़।